मैग्नेटिक डायपोल और डायपोल मोमेंट हमने कर लिया। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है? अगर ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट, साउथ एंड नॉर्थ दो पोल्स हैं, पोल स्ट्रेंथ छोटा एम है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जिसका सिंबल क्या है? कैपिटल एम। तो कैपिटल एम का अगर मैं पूछूं कि फॉर्मूला क्या है इसमें, तो कैपिटल एम का फॉर्मूला इज व्हाट, बोलो क्या होगा इसमें? स्मॉल एम इंटू टू एल, राइट? क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है, एक जो स्मॉल एम है उसको क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ के यूनिट्स बताओ क्या होंगे? ठीक, पोल स्ट्रेंथ के यूनिट तब पता लगेंगे जब कैपिटल एम के यूनिट्स पता हो। अब कैपिटल एम निकालने का दूसरा तरीका एक और है, वो क्या? करंट इंटू एरिया, राइट? तो आप मुझे एक चीज बताओ कि आपके पास कैपिटल एम निकालने के दो तरीके हो गए। कैपिटल एम निकालने का पहला तरीका पोल स्ट्रेंथ इंटू कितना? 2L, और दूसरा तरीका कैपिटल एम का कितना? करंट इंटू एरिया। आप दोनों को इक्वेट करते हैं, करंट इंटू एरिया इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू कितना? 2L, राइट? तो इसमें करंट का मतलब क्या है? एम्पियर। एरिया का मतलब क्या है? मीटर का स्क्वायर। पोल स्ट्रेंथ क्या है? स्मॉल एम। और 2L का मतलब क्या है? फिर से एक बार, मीटर। मीटर से मीटर कैंसल, तो पोल स्ट्रेंथ के यूनिट क्या बन गए? एम्पियर इंटू मीटर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? पोल स्ट्रेंथ एम्पियर इंटू मीटर, ठीक? ठीक है, तो इक्वेट किया दोनों यूनिट्स को और इसके यूनिट्स आ गए।